हाँ जी, तो हमने पिछली दो क्लासों में लॉक देवता पढ़े थे। मेरे कंठ खराब थे तो मैं रिवीजन नहीं करवा पाया था दो क्लासों में, सॉरी उस बात के लिए। तो पर आज सही है, तो आज मैं रिवीजन करवा देता हूँ। वैसे ही मैं वो शायद आदत पड़ गई कि शुरुआत वाला 5-7 मिनट का नहीं करवाऊँ तो मेरा जीव ही नहीं मानता है। तो हमने पंचपीर पढ़े थे कि बाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी और कौन से रह गए, गोगा जी, ये पांच पीर हैं। और बाबू जी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि बाबू जी राठौड़ का जन्म कोलू मंड में, पिता धनदल जी, मम्मी का नाम आपके कमला दे और पत्नी का नाम उनके सुप्यार दे या फूलम दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। उनके दो सहयोगी थे भील भाई चांदा और तमा। घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो कि देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। और मेला लगता है कोलू मंड में चैत्र अमावस्या के दिन। उनका देचू नाम के गाँव में जिंदराव खिंची के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हैं देवल चारिणी की गायों की रक्षा के लिए। 3 फेरों के बाद उठकर आ गए थे, शहीद हो जाते हैं युद्ध में। लक्ष्मण का अवतार है ऊंट रक्षक देवता, इसलिए रायका मानते हैं। प्लेग रक्षक देवता है। थोरी भाइयों को गुजरात के साथ थोरी भाइयों को शरण दी थी। रावण हत्यावाद यंत्र के साथ उनकी फड़ भील जाति के भोपे गाते हैं, जो कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। उनके पवाड़े जो है वो उनकी वीर गाथा गीत है, जो कि माटवाद यंत्र के साथ गाए जाते हैं। दो किताबें मैंने महत्वपूर्ण किताबें बताई थी, बाबू प्रकाश जो कि आसिया मोड़ जी ने लिखी, और बाबू जी रच्छंद है जो बिट्ठू जी, बिट्ठू मेहा जी ने लिखी थी। और बताई थी मैंने अलग, बाबू जी रा दुहा बताई थी मैंने, लगराज की किताब है। बाबू जी रा सोरठा बताई थी, रामनाथ जी की किताब है। बाबू जी रा रूपक बताई थी, मोतीसर बख्तावर की किताब है। रामदेव जी तंवर, उनका जन्म उंडू कश्मीर के अंदर अजमाल जी और मैणा दे के घर पर हुआ। अजमाल जी पोखरण के सामंत हुआ करते थे। पत्नी का नाम उनके नेतल हुआ करता था, जो अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की बेटी थी। गुरु बालीनाथ थे, जिनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर बना हुआ है। और उनका जो मंदिर है वो रुणीचा रामदेवरा के अंदर है। मेले वगैरह की बातें हमने पहले पढ़ ली थी। घोड़े को लीलो, झंडे को नेजा, जागरण को जमो और उनके मेघवाल भक्तों को रिख्या कहते हैं। एकादशी के दिन रुणीचा में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उन्होंने समाधि ली। दशमी को उनकी धर्मबहन जो डाली बाई मेघवाल हुआ करते थे, उन्होंने समाधि ले ली थी। पगले पूजे जाते हैं उनके मंदिर में। कमड़िया पंथ स्थापित किया, जिसकी महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। 24 बाणिया नाम की पुस्तक लिखी थी। और हमने और तो क्या पढ़ा इसके बारे में, रामदेव जी में यही पढ़ी थी बड़ी बड़ी बात। मंदिर पढ़े थे, रुणीचा में है, पोखरण के अंदर है, हल्दीना अलवर के अंदर है, छोटा रामदेवरा जो गुजरात में वहां पर है, मसूरिया पहाड़ी में तो है ही मंदिर, बालीनाथ जी का है तो वहां पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का और सॉरी आपके सामाजिक भेदभाव कम करने का इन्होंने प्रयास किया था। और भैरू नाम का एक कोई वो अत्याचारी मनुष्य था, उसका दमन किया था। मैंने बताया था सेठ था, ब्याज लिया करता था, भगा दिया था। विष्णु का अवतार माना जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है इनको। गोगा जी चौहान का जन्म ददरेवा में जेवर सिंह और बाछल दे के घर पर हुआ था, और गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था, इसलिए इनको जाहिर पीर कहा गया। अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। और हम पढ़ रहे थे सर्प रक्षक देवता है गोगा मेड़ी के अंदर, तो दुड़ में धड़ मेड़ी का दो, धुर मेड़ी का दो, ददरेवा में शीर्ष मेड़ी है। खिलेरियों की डानी में गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है, जो जालोर के अंदर है। और खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा जी का रसावड़ा नाम की किताब कवि मेह ने लिखी है। गोगा मेड़ी वाला जो मंदिर है वो बिस्मिल्ला लिखा हुआ और मकबरा शैली में बना हुआ है। हड़बू जी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई हुआ करते थे, और बालीनाथ जी इनके भी गुरु थे, हरबम जाल रहा करते थे। बाद में जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद और कटार दी थी, जोधा जी ने बैंकती दे दिया, वहां गायों की सेवा करते थे। बैलगाड़ी की पूजा होती है, अजीत सिंह जी ने मंदिर बनवा दिया, भविष्य वक्ता थे, सीआर इनका वाहन है। मेहाजी मांगलिया मंदिर बापीणी के अंदर है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है, किरण काबरे उनके घोड़े का नाम है। भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, चुंडा के समकालीन थे, रणक देव भाटी जैसलमेर के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। तेजाजी महाराज का जन्म जाट परिवार में खरनाल के अंदर ताहड़ जी और रामकुंवरी के घर पर हुआ था। पत्नी का नाम पेमल दे था, जो कि अजमेर में पनेर नाम के गांव के रहने वाले थे। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी महाराज घायल हो जाते हैं और सुरसुरा गांव में सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। हम उनको सर्प रक्षक देवता या काला बाला के देवता के रूप में पूजते हैं। उनकी घोड़ी का नाम लीलन था। उनके जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहते हैं। तेजाजी महाराज पे खुद पे डाक टिकट जारी हो चुका है। उनकी घोड़ी पर एक रेल सेवा जारी की जा चुकी है। तेजाजीरा जुंझार तेजा नाम की पुस्तक लजाराम मेहता ने लिखी। तेजाजीरा ब्यावड़ा नाम की पुस्तक वंशीधर शर्मा ने लिखी। इनकी बहन बुंगरी माता का भी खरनाल में मंदिर बना हुआ है। संदरिया, भावता, सुरसुरा, पर्वत सर, बासी दुगारी, कई जगह पे तेजाजी महाराज के मंदिर है। किसान आज भी खेतों में हल जोतता है, तेजाजी महाराज के गीत गाता है। देवनारायण जी का जन्म बगड़ाउत गुर्जर परिवार के अंदर आपके आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। सवाई भोज और सेडू की संतान थे। पत्नी का नाम आपके पीपल देव हुआ करता था, जो धार के जयसिंह परमार की पुत्री हुआ करती थी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उनका मेला लगता है। औषधि के देवता थे, विष्णु के अवतार है, नीम के पत्ते चढ़ते हैं, ईंटों की पूजा होती है, मूर्ति नहीं होती है।
जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़ गाते हैं, जो सबसे लंबी फड़ है। फड़ पे डाक टिकट जारी हो चुका है, इन पे डाक टिकट जारी हो चुका है। असींद में, देवमली ब्यावर में, देवधाम जोधपुर टोंक में, देवडूंगरी चित्तौड़ में मंदिर है जो राणा सांगा ने बनवाया था, सांगा इनका इष्ट रखता था। देव बाबा नंगला जहाज में भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को पशु चिकित्सक थे, सात ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। बीगा जी महाराज रीढ़ी बीकानेर में गायों की रक्षा के लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जाखड़ समाधि ने अपना कुल देवता मानता है। खेतला जी महाराज सोनाना पाली में नए साल वाले दिन मेला लगता है, अकलाने वाले बच्चों का यहाँ पे इलाज करते हैं। आलम जी महाराज दोरीमन्ना बाड़मेर के अंदर, और ये जो थे आपके जयतमाला राठौड़ थे, और घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मामा देव बरसात के देवता है, मंदिर होता नहीं तोरण की पूजा करते हैं, राजी करने के लिए आपके भैंसे की बलि देनी पड़ जाती है। हराम जी महाराज झोरेडा के अंदर भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सांप की बांबी की पूजा करी जाती है। खेसरिया कुंवर जी भी सर्प रक्षक देवता है, जो गोगा जी के बेटे थे। जरड़ा जी पाबू जी के भतीजे थे, जिंदराव खिंची को मारकर पिता और चाचा के हत्या का बदला लिया था इन्होंने, अपने राजस्थान वाले रूपनाथ कहते हैं। सिंबुदड़ा कोलुमंड में मंदिर है, हिमाचल प्रदेश वाले इनको बालकनाथ कहते हैं। आपके मल्लीनाथ जी महाराज मेवानगर के राजा थे, फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 टीमों को हराया था, संत बन गए थे। उगम सिंह बाटी गुरु थे इनके, इनकी रानी रूपा देवी एक संत रही है। तिलवाड़ा में मंदिर है, 1399 में हरि कीर्तन करवाया था। तिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। तल्लीनाथ जी महाराज का वास्तव में नाम गोगादेव राठौड़ था, शेरगढ़ के सामंत थे। जलंधर नाथ जी इनके गुरु थे, पांचोटा जालौर में मंदिर है, औरण का देवता कहा जाता है इनको। और कौन से पटा है, जुंजार जी महाराज इमलोहा में जन्म हुआ था, श्यालोदड़ा में मंदिर है, रामनवमी को मेला लगता है। दूल्हा दुल्हन और तीन भाइयों की मूर्तियां हैं वहां पर। और वीर फत्ता जी महाराज सांतु जालौर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन इनका वहां पर मेला लगता है। डूंग जी जवार जी बठोट पटोदा के सामंत हुआ करते थे। करणा जी मीणा, आपके लोठू जी निठारवाल, बालू जी नाई, शंखु जी लोहार के साथ मिलकर टीम बना ली, डाकू बन गए थे। अमीरों को लूट कर गरीबों में धन बांटा करते थे। आगरा की जेल और नसीराबाद की छावनी लूट ली थी इन लोगों ने। ये लोग देवता हमने पढ़े, एक आधा कोई दिमाग से नाम निकल गया, सो सलाम महाराज माफ करे। और आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। पहले हम लोक देवता पढ़ रहे थे, आज संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे। सेंट एंड सेक्ट, राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ेंगे। देखो, मैं लोक देवता जब मैंने शुरू किए थे तो मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी आपको। मैंने कहा था लोक देवता वे लोग हैं जिन्होंने समाज के हित में अपने प्राणों का बलिदान दिया था, न्योछावर हुए थे। कालांतर में समाज ने उन शहीदों को पूजना शुरू कर दिया, ज्यादातर वो लोग थे, एक अपवाद को छोड़कर, मतलब उनके मरने के बाद पूजा होने लगी है। कुल मिलाकर बात यह है, कौन पूजा करते हैं, आसपास के वे तमाम लोग जो उस मंदिर के आसपास के क्षेत्र के अंदर रहते हैं, सब लोग उनको मानते हैं, उनके चमत्कारों में विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। संतों वाले मामले में थोड़ा सा अलग। संत वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को कुछ अच्छी बातें बताई, जिन लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया, जो उनके फॉलोअर बन गए, उनका संप्रदाय हो गया। वे लोग जो अपने जीवन काल में लोगों को अच्छी बातें बता रहे थे वो संत हैं, जिन लोगों ने उनकी बातों को मान लिया था वो संप्रदाय है। मतलब प्रत्येक संत का एक संप्रदाय होता है, प्रत्येक संप्रदाय का एक संत होता है। ऐसा नहीं कि आप कहो कि ये संत है या संप्रदाय है, ये संप्रदाय है या संत है, दोनों एक साथ होती है चीजें। प्रत्येक संत का संप्रदाय है, प्रत्येक संप्रदाय का एक संत है। अब कई बार संत इतना फेमस होता है कि हम संप्रदाय का नाम नहीं लेते, संत के नाम से पढ़ लेते हैं। कई बार संप्रदाय इतना पॉपुलर हो जाता है कि हम संत का नाम लेना बंद कर देते हैं और संप्रदाय के नाम से जाने लग जाते हैं। बेसिकली जब हम यहां पढ़ते हैं तो मैं ये विभाजन सिंपल सा समझाता हूं हमेशा, कि वे संत जो राजस्थान के अंदर ही रहे, जिनकी जन्मभूमि या कर्मभूमि राजस्थान रही, उनको तो हम संतों के नाम से पढ़ते हैं। वे संत जो भारत के अन्य किसी कोने में हुए पर उनका प्रभाव राजस्थान में भी दिखाई दिया, उनको मानने वाले लोग राजस्थान में भी थे, तो उनके हम संप्रदाय पढ़ते हैं। उदाहरण बताता हूं मैं आपको। मैं कहूं जाम्बो जी महाराज और जसनाथ जी महाराज दोनों राजस्थान के थे, दोनों ने दो संप्रदाय चलाए। जाम्बो जी का संप्रदाय बिश्नोई है, जसनाथ जी का संप्रदाय जसनाथी है, पर वहां हम संत पढ़ते हैं, वहां मैं आपको जाम्बो जी और जसनाथ जी पढ़ाऊंगा। दो उदाहरण दूं मैं आपको, निम्बारकाचार्य जी महाराज और वल्लभाचार्य जी महाराज, एक साउथ इंडिया के थे, एक उड़ीसा के थे। वहां मैं कभी भी ये नहीं कहता मैं वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं निम्बारकाचार्य जी के बारे में पढ़ाऊंगा। वहां मैं कहूंगा मैं वल्लभ संप्रदाय पढ़ाऊंगा, मैं निम्बारक संप्रदाय पढ़ाऊंगा। हुए कहीं थे पर उनके फॉलोवर राजस्थान में भी है। हम उन फॉलोवर के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी क्रियाकलाप क्या है, किसकी पूजा करते हैं, किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। ये तो सिंपल सा मैंने बता दिया आपको।
प्रत्येक संत का एक संप्रदाय होता है, प्रत्येक संप्रदाय का क्या होता है, एक संत होता है। अब एक एक संत ले लेते हैं अपने। मैं पहले एक संत लेता हूं, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी एक संत है। मैं दो एक बातें बताता हूं, देखो। एक तो दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं राजस्थान के संत हूं, संप्रदाय पढ़ा रहा हूं। पहले संत ही मैंने दादू दयाल जी महाराज लिखे, और इनका मैं कह रहा हूं कि इनका जन्म ही अहमदाबाद में हुआ था, मतलब राजस्थान में तो जन्म ही नहीं हुआ। याद रहे दो लोगों के जन्म हमेशा, दादू दयाल जी महाराज का जन्म हमेशा याद रहे कि गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हमेशा याद रहे कि पटना के अंदर हुआ था। वरना कई बार लगता है अपने को क्या सरदार जी हैं तो कोई पटियाला, जलंधर, लुधियाना के अंदर हुए होंगे, पर नहीं, उनका जन्म बिहार में पटना में हुआ था। दादू दयाल जी महाराज है, इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद के अंदर हुआ था। कहते हैं लोदीराम नाम के एक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। उनको ये मिले थे, पैदा तो कहां पर हुए, मम्मी पापा कौन थे इसके बारे में नहीं पता। लोदीराम जी को मिले थे, बच्चे को घर पे लेके आए थे, उन्होंने पालन पोषण किया था। तो लोदीराम नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो ब्रिंगिंग अप जो थी, शुरुआती दौर है, वो लोदीराम जी के घर पर निकला वहां। कहते ब्रह्मानंद जी नाम के एक व्यक्ति इनके गुरु जी थे, ब्रह्मानंद जी कह दो, या उनको वृद्धानंद जी भी कहा जाता है, या किसी ने उनको बुड्ढन बाबा भी कह दिया, वृद्ध है तो बुड्ढा ही कह दो फिर, तो बुड्ढन बाबा कह दो, ये इनके गुरु जी हुआ करते थे। तो जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ था, लोदीराम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था, ब्रह्मानंद जी, वृद्धानंद जी या बुड्ढन बाबा इनके गुरु जी हुआ करते थे। बाद में अपने राजस्थान आ गए, और राजस्थान में शुरुआती कई दिनों तक ये सांभर रहे थे। सांभर अपने जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, यहां पर रहा करते थे। बाद में कई दिनों तक आमेर रहे थे। संत हमेशा यात्राएं करते रहते थे, इधर उधर खूब आमेर में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, खूब सारी जगह पे घूमे थे। फाइनली लास्ट के अंदर जयपुर में एक जगह अपने पड़ती है नरेना, यहां पे नरेना आ गए थे। ये नरेना में मृत्यु हुई थी, तो दादू पंथियों का जो मुख्य केंद्र है वो नरेना ही है। कि सांबर के अंदर शुरुआत में उपदेश देने वगैरह शुरू किए थे, फिर आमेर चले गए थे। कहते 6 साल के आसपास सांबर रहे थे, 14 साल के आसपास आमेर रहे थे, अंतिम समय अपना नरेना के अंदर बिताया था, यहां आ गए थे। बाद में दादू पंथियों की जो मुख्य पीठ है वो नरेना के अंदर स्थापित हो गई थी, नरेना के अंदर ये रहने लग गए थे। कहते निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था इन्होंने। मैंने कई बार और ये बात बताई होगी आपको, निर्गुण भक्ति वाली ऐसी भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाए, सिंबल नहीं हो जिसमें, प्रतीक नहीं हो जिसमें, वो निराकार पूजा है, वो निर्गुण पूजा है। हम कहते हैं ये निर्गुण भक्ति का संदेश या तो कबीर जी दे रहे थे, जब कबीर जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली इन पीस खाए संसार। यदि भाटों को पूजने से, इन मूर्तियों को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं मोटा सा पहाड़ पूरा ही क्यों ना पूज लूं, ताते तो चाकी भली इन पीस खाए संसार, उससे अच्छी तो पत्थर की चक्की है, कम से कम आदमी पीस के खा तो लेता है, तुम्हारी वाली मूर्ति तो किसी काम में भी नहीं आती। मतलब बंदा साफ साफ मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है, आडंबरों का, रिचुअल्स का विरोध कर रहा है, निर्गुण भक्ति की तरफ कर रहा है। आप तो घर में बैठ के राम 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 करो यार, वो जो परमात्मा है वो कोई इस मूर्ति के अंदर थोड़ी, घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है, सनातन धर्म की नॉर्मल सी अवधारणा है, ये निर्गुण भक्ति है जो मूर्ति पूजा का खिलाफत करती है। मूर्ति पूजा करो तो सगुण, और मूर्ति पूजा नहीं करो तो निर्गुण। दादू दयाल जी महाराज ने भी सेम निर्गुण भक्ति का संदेश दिया, इसलिए हम कहते हैं राजस्थान के कबीर है दादू दयाल जी। क्या कहा जाता है तो इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मैं कई बार क्लास में बताता रहता हूं कि भाई नेता और संत हमेशा उसी भाषा में बोलना पसंद करेंगे जिसमें उनको सुनने वाले होंगे। फैन फॉलोइंग बढ़ानी है भाई, फॉलोवर बढ़ाने हैं, संत के फॉलोवर ही तो संप्रदाय में तब्दील होंगे। जब ज्यादातर समय जयपुर में कटा, सांभर रहे, आमेर रहे, नरेना रहे, तीनों जगह जयपुर है, ढूंढाड़ इलाका था, यहां की भाषा ढूंढाड़ी है, तो दादू जी महाराज अपने उपदेश कौन सी भाषा में देंगे? स्वाभाविक सी बात है, ढूंढाड़ी के अंदर अपने उपदेश देंगे।
तो दादू जी महाराज ने जो अपने उपदेश थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। इनकी जो टीचिंग्स है वो ढूंढाड़ी भाषा में थी, जयपुर वाली जो भाषा है, छह छह लगा के जो बोलते हैं, अंडा जारी छैन कंडा जारी छैन, ये जो भाषा है ये जयपुर की लोकल भाषा है, इस भाषा में अपने उपदेश दिए थे। फिर बता दूं मैं, दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ था। लोदीराम जी नाम के ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया। ब्रह्मानंद जी, वरदानंद जी या बुढ़न बाबा कुछ भी कह दो, वो उनके गुरु रहे। निर्गुण भक्ति का उसी प्रकार संदेश दिया जिस प्रकार कबीर जी ने दिया था, इसलिए राजस्थान का कबीर कहते हैं हम इनको। अपना शुरुआती कुछ समय सांभर में बिताया, फिर आमेर रहे थे, नरेना में अंतिम समय बिताया था, वहीं पर मृत्यु हुई थी, जो बाद में दादू पंथियों की मुख्य शाखा बन गई थी। ढूंढाड़ी भाषा के अंदर आपने ज्यादातर जो उपदेश दिए थे ढूंढाड़ी भाषा के अंदर दिए थे। कहते हैं ये जहां पर उपदेश दिया करते थे या जहां पे सत्संग लगाते, जहां पर भी सत्संग लगाया करते थे, उन सत्संग वाली जगह को बोला करते थे अलख दरीबा। उन स्थानों को या तो अलख दरीबा कहते या एक शब्द और हुआ करता था चौगान। तो कोई पूछ लेगे दादू जी महाराज जहां सत्संग लगाया करते थे या बाद में भी दादू पंथी जहां पर सत्संग लगाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उसको अलख दरीबा या चौगान कहते हैं, या दादू जी महाराज सत्संग लगाया करते। हम कहते हैं इन लोगों ने ये जो निर्गुण भक्ति वाला जो पूरा वातावरण चला था देश के अंदर, इसको भक्ति आंदोलन कहा जाता है। कि भक्ति आंदोलन था अपने आप में, एक लहर ही आई थी बड़े तौर पे। दादू दयाल जी वाला जो भक्ति आंदोलन था उसका नाम निपक आंदोलन है। कोई पूछे कि निपक नामक भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? निष्पक्ष से बन गया निपक। निपक नामक भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो दादू जी महाराज ने निपक नाम का भक्ति आंदोलन चलाया था। ये बात भी याद रह जाए तो भली बात है, आपने ठीक है थोड़ी सी। दादूपंथी मूर्ति पूजा नहीं करते, मैंने बताया निर्गुण भक्ति है तो मूर्ति पूजा तो नहीं होगी। मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। मंदिर जो होता है मंदिर को बोलते हैं दादू द्वारा। अब देखो मैं फिर एक बात पर आता हूं, सिख संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती, वो गुरुद्वारे बोलते हैं उनको, कि गुरु जी का द्वारा है इसलिए गुरुद्वारा कह दो। दादू पंथी भी मूर्ति पूजा नहीं करते। दादू जी के जो फॉलोअर हुए उनको आप दादू संप्रदाय बोल दो या दादू पंथ बोल दो, एक ही बात है। दादू पंथ भी मूर्ति पूजा नहीं करते, पर मंदिर होता है मंदिर में दादू द्वारा बोलते हैं। तो अपने दिमाग में स्वाभाविक आता है कि जब मूर्ति पूजा करते नहीं तो मंदिर में करते क्या हो? हम लोग तो मंदिर जाते हैं इसलिए कि वहां पे मूर्ति है। तो मैंने एक दिन पहले बताई थी कि जो भी निर्गुण वाले संप्रदाय है जो मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं वो किताबों की पूजा करेंगे। मैंने बताया था यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट को मान ले, ईसाई बाइबिल को मान ले, मुसलमान कुरान को मान ले, सिख गुरु ग्रंथ साहिब को मान ले। इन्होंने कहा हम भी किताबों की पूजा करेंगे। किताब कौन सी? जो दादू जी के उपदेश जिसमें लिखे हुए, और दादू जी के उपदेश जिस किताब के अंदर लिखे हैं उस किताब का नाम है वाणी। तो मंदिर में किसकी पूजा की जाती? तो वाणी की, दादू दयाल जी की जो वाणी है उसकी पूजा की जाती है। दादू दयाल जी की वाणी की पूजा की जाती है। आमेर अपना लंबे टाइम बिताया दादू दयाल जी महाराज। आमेर में उस समय राजा हुआ करते थे भगवंत दास जी, पढ़े हमने हिस्ट्री के अंदर, भगवंत दास जी आमेर के राजा थे। अकबर मुगल बादशाह जो था फतेहपुर सीकरी में उन दिनों आया हुआ था, यूपी में जो फतेहपुर सीकरी पड़ता है वहां पर मुगल बादशाह अकबर आया हुआ था। आमेर वालों के अकबर से अच्छी बनती थी। अकबर ने भगवंत दास जी को कहा कि यार भगवंत दास जी, दादू दयाल जी का नाम खूब सुना यार, मिलाओ हमें भी कभी, आपके आमेर में रहते हैं पक्का साहब। कहते 1585 में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी आमेर के राजा भगवंत दास के साथ अकबर से मुलाकात करते। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे अपने को यह पता चलता है कि दादू दयाल जी अकबर के कंटेम्प्ररी थे, अकबर के समकालीन हुआ करते थे दादू दयाल जी महाराज जो थे। तो 1585 में आमेर के राजा भगवंत दास के साथ में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करके आए थे। दादू दयाल जी महाराज का यह मानना था कि यार बंदे का जीवन जो है हमेशा परोपकार में बीतना चाहिए, हमेशा बंदा दूसरों के हित में ही सोचे, दूसरों का भला सोचे, बुरा क्यों सोचे किसी का। सही बात। दादू दयाल जी एक कदम आगे गए, दादू दयाल जी इनका मरने के बाद भी
व्यक्ति का जीवन किसी के काम आना चाहिए। लोगों का साहब मरने के बाद कैसे काम आ सकता है? मरने के बाद या तो जला दो या दफना दो, मिट्टी होती क्या काम आए किसी की? दादूलाल जी का एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूं, जब मिट्टी ही होती है तो क्यों जलाओ और क्यों दफनाओ? छोड़ दो जंगल में ले जाके, पशु पक्षी खाएंगे, किसी के तो पेट में जाएगा, मरने के बाद कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो दादू पंथ में मरने के बाद बंदे को ना जलाया जाता है ना दफनाया जाता है, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान के अंदर रख देते हैं। जो लाश होती है, जो डेड बॉडी है, इसको ना तो जलाते हैं ना इसको दफनाते हैं। ना इधर ब्रंट नोर ब्रीड, ना जलाया जाए ना दफनाया जाए। तो साहब, तो पशु पक्षियों का भोजन है और खुले मैदान में रख दो, ओपन ग्राउंड के अंदर रख दिया जाए। और कहते खुद दादू जी का जो शव था वो जयपुर में एक पहाड़ी पड़ती है, भैराना की पहाड़ी, वहां पर रख दिया गया था। लोगों ने बाद में उस जगह की पूजा करनी शुरू कर दी, भाई यहां दादू जी की लाश रखी गई थी। उस जगह का नाम पड़ गया दादू खोल, या उसको कहते हैं दादू पाल का। दादू खोल या दादू पाल का कहा जाता है उस जगह को। दो बातें याद रख लेना बस, कि लाश को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते हैं। खुद दादू जी की लाश जयपुर में भैराना की पहाड़ी, भैराना हिल पर रखी गई थी, जिस जगह के लोगों ने बाद में पूजा करनी शुरू कर दी, उस जगह को दादू खोल या दादू पालका के नाम से जाना जाता है। कहते दादू जी के टोटल 152 शिष्य थे, टोटल एडमिशन तो 152 हुए, पर जो इनमें प्रमुख थे वो 52 ऊपर वाले 52 ही थे। सिलेक्शन इतने लोगों का हुआ होगा, एडमिशन 152 ले लिए होंगे। ये जो प्रमुख 52 शिष्य थे इनको 52 स्तंभ कहा जाता है। कोई कहे कि दादू संप्रदाय में पिलर्स की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 52 मानी जाती है। 52 पिलर्स क्यों माने जाते हैं? क्योंकि 52 स्तंभ होते हैं, इसलिए 52 पिलर माने जाते हैं। स्वाभाविक सी सीधी सी बात है एकदम। टोटल 152 शिष्य थे, उनमें से 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है? मुख्य स्तंभ कहा जाता है। नरेना मुख्य केंद्र है, नरेना में मेला लगता है इनका, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। पंचमी से एकादशी तक मेला होता है। दादू जी के मरने के बाद में दादू संप्रदाय कई भागों में विभाजित हो गया, ब्रांचेज बन गई थी। कौन कौन से ब्रांचेज थे? मैं नाम लिखता हूं फिर हम बात करेंगे। खाकी विरक्त उत्तराधे, सॉरी खालसा विरक्त उत्तराधे, खाकी और नागा, दादू पंथ की ब्रांचेज है। खालसा विरक्त उत्तराधे खाकी और नागा। हिस्ट्री पढ़ाते समय मैंने बार बार बताया होगा कि मुख्य केंद्र के अधीन जो भी होता है उसको खालसा कहते हैं। मुख्य केंद्र कौन सा? नरेना। तो जो नरेना वाली पीठ को ज्यादा मानते हैं वो तो कौन से हो गए? खालसा। दादू संप्रदाय में उनको क्या बोलेंगे? तो उनको खालसा दादू संप्रदाय वाले बोलेंगे। वे जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, विरक्त हो गए, मोह माया से कोई भी लेना देना नहीं रखा, उनको हमने कहना शुरू कर दिया विरक्त। जो घर बार छोड़ देते हैं, घूम घूम के दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं, एक जगह पर रहते ही नहीं है, विरक्त हो गए। दादू दयाल जी के मरने के बाद में एक चेले हुआ करते थे बनवारी दास जी महाराज। बनवारी दास जी महाराज जो थे वो चले गए थे बाद में हरियाणा। हरियाणा राजस्थान से किस दिशा में पड़ता है? तो आपने कहते राजस्थान से उत्तर दिशा में पड़ता है, तो वो हो गए उत्तराधे। तो जो हरियाणा रतिया, रतिया नाम की जगह पर इन्होंने अपना केंद्र बना लिया था। जो हरियाणा में रतिया की तरफ चले गए थे वो उत्तराधे हो गए। जो खाकी कपड़े पहनने लग गए थे, भस्म लगाने लग गए थे, जटाएं धारण करने लग गए थे, वो खाकी हो गए।
जो जिंदाबाद ही रहने लग गए थे वो नागी हो गए। पांच ब्रांचेज है, जो मुख्य पीठ को मानते हैं वो खालसा, घर बार छोड़ के दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, विरक्त, बनवारी दास जी के साथ हरियाणा में रतिया की तरफ चले गए, उतरा दे, भस्म लगा के, जटा लगा के, राख लगा के वैसे रहे वो खाकी, एक नागा, पांच ब्रांचेज हो गई। याद रखना इनके नाम, शिष्य 52 जिनको 52 स्तंभ कहते हैं, ब्रांचेज जी पांच। मैं वापस थोड़ी थोड़ी बातें बताऊं, पीछे से वापस देखो। दादूदयाल जी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, लोदीराम जी नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया, ब्रह्मानंद जी, वर्धानंद जी या बुढ़न बाबा इनके गुरु जी थे। अपना काफी समय सांभर के अंदर बिताया, आमेर में रहे, अंतिम समय में नरेना आ गए थे, वहीं पर मृत्यु भी, ये इनका मुख्य केंद्र है। तीनों छात्र आपके जयपुर में पढ़ते हैं, तो अपने उपदेश सारे ढूंढाड़ी भाषा के अंदर दिए थे इन्होंने। किस बात के उपदेश दिए? तो निर्गुण भक्ति के उपदेश दिए। ऐसे कुछ उपदेश कबीर जी ने दिए, इसलिए हम इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। जहां सत्संग दिया करते थे उस जगह को अलख दरीबा या चौगान कहते हैं। निपक्ष नाम का भक्ति आंदोलन चलाया था इन्होंने। मूर्ति पूजा नहीं करते, तो मंदिर जो दादू द्वारा इनका होता है उसमें किसकी पूजा की जाए? तो उसमें दादू जी की जो उपदेश है वो वाणी नाम के ग्रंथ में संकलित है, उसकी पूजा की जाती है। आमेर में जब रहते थे तो राजा भगवान दास जी के साथ 1585 में अकबर से मिलने के लिए गए थे, फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। लाश को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। खुद दादू जी की लाश बहराणा की पहाड़ी में रख दी गई, बहराणा की पहाड़ी को उसको दादू खोले दादू पालका कहते। 152 टोटल शिष्य थे, जिनमें प्रमुख शिष्य 52 है, जिनको कि 52 स्तंभ कहा जाता है। नरेना मुख्य पीठ है, जहां पर फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक मेला लगता है। जो नरेना वाली पीठ को मानते हैं वो खालसा हो गए, जो घर बार छोड़ के रहते थे वो विरक्त हो गए, जो हरियाणा की तरफ चले गए थे उत्तरादे हो गए, जटाएं धारण करते थे तो नाग खाकी हो गए, और एक लास्ट ब्रांच आपकी नागा हो गए। थोड़ी सी बात और करते हैं, इनके शिष्यों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख शिष्य सुंदरदास, थोड़ी सी बातें बताता हूं मैं, हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें आपने सुनी होगी मेरे से ये बातें। बीकानेर में एक राजा वे जैत सी पढ़ा हमने हिस्ट्री पढ़ते टाइम, 1541 में मालदेव के खिलाफ पाहेबा या साहेबा के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। उनका बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। इतनी बात मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर बताई थी। और गिरी सुमेल के युद्ध में मेड़ता वाला वीरमदेव और बीकानेर वाला कल्याणमल दोनों शेरशाह सूरी का साथ देते हैं, और उस युद्ध को जीतने के बाद कल्याणमल को बीकानेर और वीरमदेव को मेड़ता मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब जैतसी और मालदेव लड़ रहे थे तब कल्याणमल और कल्याणमल का एक छोटा भाई हुआ करता था भीमराज, ये दोनों सिरसा में थे, हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा। जब इनको समाचार मिले कि अपने राज्य पर मालदेव ने कब्जा कर लिया और पिता युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, तब क्या किया जाए? दोनों भाइयों ने प्लान किया। भीमराज बड़ा इंटेलिजेंट था, भीमराज ने कहा किसी बड़े राजा का साथ लिया जाए। भीमराज दिल्ली शेरशाह सूरी के पास गया, शेरशाह सूरी को अप्रोच किया और शेरशाह सूरी को कहा गया, शेरशाह तू हमारा साथ दे, हमें बीकानेर दिलवा दे, तू जोधपुर रख लेना। इतने पीछे पीछे वीरमदेव चला गया, वीरमदेव ने कहा मैं भी आपके साथ हूं, मुझे भी मेड़ता दिलवा दो। शेरशाह वास्तव में भीमराज के कहने पे शेरशाह तैयार होता है, शेरशाह को गिरी सुमेल के लिए तैयार करने वाला भीमराज जी थे। वहां से सेना लेके निकलते हैं, कल्याणमल जी को पता चलता है वो आ रहे हैं, तो कल्याणमल जी इनको बीच में ज्वाइन करते हैं, कल्याणमल जी भी इनके साथ में हो जाते हैं, लड़ते हैं, युद्ध का अपने को सब पता है, वो उन बातों में मैं नहीं जा रहा। कल्याणमल राजा बन जाते हैं इधर, पहले बड़ा भाई राजा बनता था, बाकी भाइयों को तो सामंत बनना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी। भीमराज ने सोचा भाई की नौकरी करें, किसी और की नौकरी करें, नौकरी नौकरी है क्या है। नया नया मुगल बादशाह बना था अकबर, भीमराज जी अकबर की सेवा में चले जाते हैं और अकबर को जाकर हुए तू सेना के अंदर रख ले, बहादुर लोगों की जरूरत तू आ करती थी, सैनिकों की जरूरत तू आ करती थी राजाओं को। अकबर ने कहा ठीक है भीमराज रहो। बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई भीमराज
अकबर की सेवा के अंदर चला जाता है। थोड़े दिनों में अकबर का एक सौतेला भाई मिर्जा हकीम काबुल में अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाना, मिर्जा हकीम उधर से कहता है कि मैं काबुल से आ रहा हूं, आगरा आऊंगा और आगरा आके अकबर को हटा के मैं राजा बनूंगा। अकबर ने कहा ऐसे तो कैसे आ जाएगा यहां तक। अकबर ने बीकानेर वाले भीमराज को कहा कि भीमराज मिर्जा हकीम का विद्रोह दबाने के लिए तू जा। साथ में यूपी में एक जगह पड़ती है चिंदाणी, और चिंदाणी का एक राजा था चंद्रसेन, याद रखे यूपी के चिंदाणी का चंद्रसेन, अपने वाले चंद्रसेन से कोई लेना देना नहीं है उसको। अबे तू भी भीमराज के साथ जा। एक टुकड़ी लेके भीमराज, एक टुकड़ी लेके चिंदाणी वाला चंद्रसेन, दोनों गए। मिर्जा हकीम को रास्ते में रोक के भगा दिया, युद्ध जीत गए। कहते हैं युद्ध के मैदान में भीमराज घायल हो गया और घायल होकर कहीं गिर गया, और बीकानेर वाले सैनिकों को जो इसके साथ वाले सैनिक थे उनको तो मिला और नहीं, उनको लगा यार कहीं पे मर गया होगा, दुश्मन की तरफ लाश पड़ गई होगी, वो उठा के ले गए होंगे। वो सैनिक वहां से वापस बीकानेर गए और बीकानेर जाके भीमराज के घरवालों का भाई भीमराज की तो ऐसे ऐसे डेथ हो गई युद्ध में। भीमराज की जो पत्नी थी वो इस बात को सुनकर सती हो गई। घर वालों ने 12 दिन कर लिए, लड्डू बना लिए। प्रहलाद दास जी नाम के एक पुरोहित थे, इनके पारिवारिक पुरोहित थे। प्रहलाद दास जी का हरिद्वार जाके फूल तिराया, अस्थियां विसर्जन करने के लिए भेज दिया प्रहलाद दास जी। इधर कहते चिंदाणी वाला चंद्रसेन जब अपने घायलों को उठा रहा था तो उन वाले घायलों में भीमराज जी भी मिले, उसने भीमराज जी को भी उठा लिया, अपने कैंप में लाके मरहम पट्टी की तो भीमराज जी को होश आ गया। दिल्ली पहुंचे, आगरा पहुंचे अकबर के पास। अकबर जाकर युद्ध तो जीत लिया। भीमराज जी ने कहा मेरे साथ वाले सैनिक तो बीकानेर और चले गए, बादशाह आज्ञा दो तो मैं भी बीकानेर जाके आ जाऊं। बादशाह ने कहा शाबाश मेरे चीतों, युद्ध जीत के जाया बीकानेर जाया कोई बात। भीमराज जी उधर से बीकानेर आ रहे हैं, मथुरा के अंदर भीमराज जी रुके हुए हैं, जहां उनका पारिवारिक पुरोहित प्रहलाद दास उनको मिलता है। भीमराज जी ने प्रहलाद दास जी से पूछा कि पुरोहित जी आप इधर किधर मथुरा में। प्रहलाद दास जी ने भीमराज जी को पूछा कि ठाकरा आप क्या कर रहे हो इधर क्यों। तो हमने आपके 12 दिन कर लिए, लड्डू खा लिया आपके, ठुकरानी सती हो गई आपके पीछे। भीमराज ने क्या बात करता रहे कैसे कहा, वो सैनिकों ने कहा कि आप मर गए युद्ध में, तो क्या करते, कोई सूचना ही नहीं थी आपकी तो हमारे पास में। और भीमराज के अचानक वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसे लगा कि ये दुनिया ये महफिल अब काम की नहीं है। अब जब पत्नी सती हो गई, अपनी मृत्यु का समाचार सुन के वो स्वर्गलोक की चली गई, अब अपने भी घर जाके क्या करेंगे, धीराणी है बिता घर है, घरवाली चली गई, अब किस बात का घर है, क्या लाना है घर जाके। और प्रहलाद दास जी को आगे पुरोहित जी आप पधारो, जाओ बीकानेर वापस, मैं नहीं जा रहा। प्रहलाद दास जी ने कहा साहब मैं खुद नहीं जाऊंगा, दुनिया का इस जीवन का मूल्य समझ आ गया, ये जिंदगी आदमी जिंदा है उसके क्रियाक्रम हो गए, देख लो इतना देख लिया आप जीवन में, अब क्या करूंगा मैं जाके, मैं आपके साथ ही रहूंगा। भीमराज जी ने कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ। प्रहलाद दास जी आए आके भीमराज जी के घर वालों का पहले तो अरे जिंदा है भीमराज, अब क्या करें, तो लाए उनको घर पे, कहां रह गए, मथुरा रह गए, पर अब लाने की कोशिश मत करना, मैंने उस व्यक्ति की आंखें देखी है, अब वैराग्य उत्पन्न हो गया, अब रहने तो यार उसको। फिर प्रहलाद जी अपने घर गए, अपने घर वालों को जाकर सॉरी मैं खुद अब भीमराज जी के साथ ही रहना चाहता हूं, खुद यह वैराग्य जीवनी जीना चाहता हूं। घर वालों से छेड़ी राम रूमी करके अंतिम विदा लेके मथुरा वापस जाते हैं। भीमराज और प्रहलाद दास दोनों वहां पर मथुरा वापस मिलते हैं और विचारते हैं कि संन्यास लेने के लिए गुरु बनाना जरूरी है। नुग्रा आदमी बिना गुरु का आदमी संन्यास नहीं ले सकता, उसका संन्यास सफल नहीं माना जाए। फतेहपुर सीकरी में चतरदास जी महाराज नाम के एक महाराज हुआ करते थे, अच्छे संत थे। गए भीमराज प्रहलाद दास दोनों,
चतरदास जी मुझे, हम दोनों को अपने चेले बना लो। चतरदास जी ने कहा रहे, तुम थोड़े ऊंचे लेवल के हो, थोड़े मैं तुम्हारा गुरु बनने लायक हूं नहीं। तो साहब हमारा गुरु कौन बने, हमें मुक्ति का मार्ग कौन दिखाए? सांबर वाली पहाड़ियों में दादू दयाल बैठा हुआ है, तुम दादू दयाल के पास जाओ। आए दोनों, भीमराज राजकुमार था, बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई था, लंबा चौड़ा खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था। घुसा और घुसते दादू दयाल जी ने कहा, आओ रे भाई सुंदर। और भीमराज ने हाथ जोड़े, महाराज मेरा नाम भीमराज है, सुंदर नहीं है, बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई हूं, ये हमारे पूर्व जी प्रहलाद दास जी है। चतरदास जी महाराज फतेहपुर सिकरी वालों ने आपके पास भेजा है, हमें अपना चेला बनाइए। दादू दयाल जी ने कहा कि राजकुमारों ने कब वैराग्य धारण किए थे? राजा महाराजा विलासिता का जीवन जीने वाले संन्यास बहुत कठिन मार्ग है मेरे मित्र, पार नहीं पड़ेगी। भीमराज ने कहा, आप जीवन में ऐसे ऐसे रंग देखे हैं दादू दयाल जी, और बचा नहीं है कुछ का, पक्का संन्यास धारण करने के लिए तैयार है? 100%। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है? कहा, एक वस्त्र और 5 शस्त्र धारण करूंगा, बाकी सब कुछ त्याग दूंगा। एक वस्त्र मतलब एक लंगोट तो बांधने देना, आप क्षत्रिय हूं, हथियार रखूंगा खुद के पास में, केस कंघा कड़ा कृपाण और कच्छा, ये 5 चीज रखने दो, एक वस्त्र और 5 शस्त्र, बाकी सब कुछ त्यागता हूं दादू दयाल जी आपके चरणों में। कोई राज्य चाहिए, कोई घर बार चाहिए, कोई परिवार चाहिए, मोह माया आप देख ली सर। दादू दयाल जी ने कहा, तो व्यक्ति जब अपनी पिछली जिंदगी से छुटकारा चाहता है तो पिछले जीवन का जो नाम है वो भी त्यागना पड़े। और चूंकि तुझे देखते ही मैंने तेरे को सुंदरदास कहा था, तो आज से तेरा नाम भीमराज नहीं, आज से तेरा नाम सुंदरदास है, ताकि वो राजा वाला जीवन ही छूटे, तेरा रूप ही संत वाला आए। जैसी आपकी आज्ञा। दादू दयाल जी महाराज के पहले शिष्य थे सुंदरदास जी। प्रहलाद दास जी पीछे खड़े थे, प्रहलाद दास जी ने कहा, मेरा एडमिशन। दादू दयाल जी ने कहा कि तुझे वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ? भीमराज जी को देख के, तो तू भीमराज जी का चेला है, ये मेरा चेला है, तू इसका चेला। का ठीक। कई दिन वहां पे रहे सांबर में दादू दयाल जी के पास, फिर कहा कि महाराज हमको दूसरी जगह जाके तपस्या करना चाहते हैं। दादू जी का पधारो, कहां जाओगे? कि हम फतेहपुर सीकरी से जब आ रहे थे ना, तो दोसा में एक जगह आई थी घाटड़ा, पहाड़ों के बीच में साहब, जगह बहुत अच्छी लगी, आप फरमाओ आज्ञा दो तो हम वहां जाके तपस्या कर ले। जाओ, भीमराज जी और या सुंदरदास जी कह दो आप, अपने शिष्य प्रहलाद दास जी के साथ में घाटड़ा दोसा में एक जगह पड़ती है, वहां चले गए। हथियार रखा करते थे अपने साथ में, क्योंकि क्षत्रिय थे तो हथियार त्यागे नहीं उन्होंने, इसलिए उनके जितने अनुयायी बने आगे वो भी हथियार रखा करते थे, कपड़ों तक का त्याग कर दिया था। दादू संप्रदाय की नागा शाखा इन्हीं सुंदरदास जी महाराज द्वारा शुरू की गई। दादू जी के प्रथम शिष्य थे सुंदरदास जी महाराज, नागा शाखा के संस्थापक थे वो। कहते कई दिन घाटड़ा रहे और फिर प्रहलाद दास जी को सब कुछ सौंप सांप के और कहा कि मैं हिमालय जाऊंगा, हिमालय चले गए थे बाद में। दादू संप्रदाय वाले कहते हैं कि सुंदरदास जी महाराज हिमालय में आज भी जिंदा है, सुंदरदास जी महाराज मरे नहीं है, पहाड़ियों में आज भी विचरण करते हैं। उनमें चमत्कारों के कई किस्से प्रसिद्ध है सुंदरदास जी महाराज के। उनकी जो नागा शाखा थी वो अपने पास हथियार रखती थी, हमेशा लड़ाई किया करती थी। जहां पर वो नागा साधु रहते उनको छावनी कहते थे। आप कहोगे सब साधु और लड़ाई, किससे लड़ाई करे हो? वे नागा साधु
सुंदरदास जी की वो सेना धर्म की रक्षा के लिए लड़ी। जब औरंगजेब जैसे दुर्दांत राजाओं ने विधर्मियों के पूजा स्थलों को तोड़ना शुरू किया, तब उन नागा साधुओं ने अपने जी जान की बाजियां लगा दी थी। मुझे याद आता है कि खाटू श्याम जी के मंदिर पर जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ और आमेर और मारवाड़ की सेनाएं भी लड़ने में हिचकिचा रही थी, तब वो नागा साधु अपने अपने हथियार लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर को बचाने के लिए तत्पर हो गए थे। आज भी हम में से कोई खाटू श्याम जी जाता है और उस मंदिर को वैसा ही पाता है जैसा वो किसी समय में रहा होगा, तो नागा साधुओं का कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करना चाहिए कि सुंदरदास जी के उस चेले अपने उस गुरु की बात को किस प्रकार निभाते रहे और हथियारों के माध्यम से उस बात को चरितार्थ करते रहे कि सनातन संस्कृति में संन्यास केवल शास्त्र नहीं, शस्त्र का भी उतना ही प्रयोग करना सिखाता है। कालांतर में जब मराठे राजस्थान को पद दलित कर रहे थे, आक्रांता बनकर लूट खसोट कर रहे थे, मैंने कभी बताया था कि मराठों से लड़ने में सबसे अग्रणी कोई रियासत थी तो आमेर थी। सवाई प्रताप सिंह जब तुंगा पाटन और मालपुरा के युद्धों में महादजी सिंधिया जैसे महारथियों को धूल चटा रहे थे, उस समय नागा साधुओं की एक टीम आमेर वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। वो जो नागा साधु थे वो सुंदरदास जी के चेले हैं, वो सुंदरदास जी द्वारा स्थापित किए गए थे। अपने याद रखने वाली बात यही कि इनका वास्तविक नाम भीमराज था, बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे, दादू पंत की नागा शाखा की स्थापना की थी, नागा शाखा के संस्थापक थे। नागा शाखा के जो साधु है वो हथियार बंद रहते थे, जहां पे नागा साधु रहते थे उस जगह को छावनी बोलते, सैनिक जहां रहते उसको छावनी तो कहते हैं। मराठा आक्रमणों के समय इन्होंने जयपुर के राजाओं की मदद की थी, बेसिकली सवाई प्रताप सिंह वाला थोड़ा सा याद रखना कि मराठा आक्रमणों के समय सवाई प्रताप सिंह की सहायता की। मदद की थी, इतनी बात याद रख ले। सुंदरदास जी पहले शिष्य थे, भीमराज वास्तु के नाम था, कल्याणमल के छोटे भाई थे, नागा शाखा के संस्थापक थे, हथियार रखते थे, छावनी कहते हैं इनके रहने की जगह को जहां नागा साधु रहते हैं, और मराठा आक्रमणों के समय नागा साधुओं ने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की। बाकी वाली कहानी केवल समझाने के लिए थी, आप जब नोट्स बनाओ लिखो तो ये इतनी बातें लिखना। एक और शिष्य रज्जब जी महाराज, सांगानेर के पठान थे, पठान थे तो लंबी चौड़ी पर्सनालिटी के मालिक, गोरे चिट्टे एकदम। आमेर बरात जा रही थी, सांगानेर से आमेर बरात लेके आ रहे थे, दुल्हे बने हुए, शेरवानी साफा तुर्रे कलंगी सिर पे सिरमोड़ एंटीने सब लगाए हुए। आमेर में मावठा का तालाब है, उस मावठे के तालाब के पास में अलख दरीबा, दादू दयाल जी महाराज मावठे तालाब के पास में बैठकर उपदेश दे रहे थे। बारातियों ने सोचा कि यार थोड़ी देर अपने भी दादू जी के उपदेश सुन ले। दादू जी महाराज आंख बंद करके बोल रहे थे कि घर गृहस्थी मोह माया में कुछ ही नहीं रखा हुआ है, जीवन का जंजाल है जो इसमें फंस जाता है, निकल नहीं पाता इस चीज से। उपनिषदों की उस लाइन को दोहरा रहे थे जिसके अंदर लिखा होता कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परे, जगत जो कुछ दिखाई देता है मिथ्या है, सपना है, टूटेगा एक दिन, एकमात्र सत्य वो ब्रह्म है, उसकी सत्ता के सिवाय दूसरी कोई सत्ता इस दुनिया के अंदर नहीं है। जब उन्होंने रज्जब जी को दूल्हे के बेस में वहां पर बैठे हुए देखा तो उन्होंने कहा कि रज्जब तू गजब कियो और माथे बंधे मोड़, दूल्हे के मोड़ बंधा हुआ था, आयो तो हरी भजन बैठो किन थोड़ी, कि हे रज्जब क्या गजब करने जा रहा है, भगवान ने तुझे हरी का नाम लेने के लिए भेजा था और तू ये शादी करेगा, ये काम बचे तेरे। रज्जब जी खड़े हुए, रज्जब जी ने कहा महाराज आंखें खोल दी आपने,
अपने शादी नहीं करनी, ये लो शेरवानी अभी उतार देता हूं, डर दो इनका नहीं, तेरे को वैराग्य इन कपड़ों में प्राप्त हुआ तो आज के बाद तू यही कपड़े रखेगा हमेशा, आजीवन दूल्हे के बेस में रहते रज्जब जी महाराज। वो शेरवानी फट जाती तो कोई शिष्य कोई साधक दूसरी शेरवानी देके चला जाया करता था। एक संत जो दादू जी के उपदेशों को सुनकर शादी नहीं करते और आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं, वो कौन थे? तो रज्जब जी थे। तो दादू जी के उपदेश सुनकर विवाह नहीं किया और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, सुनने के बाद में शादी नहीं करते और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, तो वो कौन थे? तो रज्जब जी महाराज थे। बुक्स लिखी बहुत अच्छी अच्छी रज्जब जी महाराज ने, एक बुक का नाम है रज्जब वाणी, ये तो निर्गुण भक्ति वालों की ज्यादातर बुक का नाम वाणी ही मिलेगा आपको। एक योगा पर बहुत अच्छी बुक लिखी उन्होंने सर्वंगी, दो बुक है रज्जब वाणी और सर्वंगी, रज्जब जी महाराज की बुक है। एक चले और कहते हैं दादू पंथ में दो सुंदरदास जी महाराज हुए, पहले वाले सुंदरदास जी को आप बड़े कह दो और इनको सुंदरदास जी को छोटे कह दो। वो लड़ाकू आदमी हुए थे, ये पढ़ाकू थे, उन्होंने जैसी लड़ाइयां की इन्होंने उतनी पढ़ाइयां की। दादू संप्रदाय में सर्वाधिक इंटेलिजेंट कोई बंदे हुए थे तो सुंदरदास जी थे, छोटे सुंदरदास जी। एक आप यंगर कह दो, एक एल्डर कह दो, वो बड़े सुंदरदास जी छोटे सुंदरदास जी। वो क्षत्रिय थे, इनका वैश्य परिवार में जन्म हुआ, खूब पढ़ाकू थे तो खूब किताबें लिखी, 42 के आसपास ग्रंथ लिखे, ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर, खूब सारी किताब है अपने, इतने याद रखना 42 किताबें लिखी थी। दौसा में एक जगह पड़ती है गेटोलाव, वो मुख्य केंद्र है, वैसे ज्यादातर टाइम अपना सीकर में फतेहपुर नाम की जगह है वहां पर बिताया था, फतेहपुर भी मुख्य केंद्र है। तो सुंदरदास जी छोटे, दादू संप्रदाय तो कहता है हमारे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य जितने इंटेलिजेंट थे उतने इंटेलिजेंट दादू पंथ में सुंदरदास जी महाराज छोटे वाले। रज्जब जी को तो बहुत ही ज्यादा प्यार था दोनों में, तो रज्जब जी में सुंदरदास जी में, तो दोनों के विचार यूं मिलते जुलते और। आप इस चीज पर यूं गौर कीजिए कि सांप्रदायिक सद्भावना का कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा होगा कि रज्जब नाम का एक पठान और सुंदरदास नाम का एक वैश्य आपस में गहरे दोस्त हैं, एक जैसी बातें कर रहे हैं, वो रज्जब वाणी और सर्वंगी लिख रहे हैं, इधर ज्ञान समुद्र और सुंदर सागर लिखे जा रहे हैं। उस भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और शिष्य वे के एक शिष्य वे बालिंद जी, संत सारे इंटेलिजेंट थे, ग्रंथ लिखा आरिलो। वैसे दादू दयाल जी के बाद में दादू दयाल जी के बेटे मुख्य उत्तराधिकारी बने थे, उनका नाम था गरीबदास जी। दादू दयाल जी के एक और बेटे हुआ करते थे मिस्किन दास जी, ये भी मुख्य संत हुए इसके। मिस्किन का मतलब ही गरीबी होता है। मिथुन चक्रवर्ती की मूवी का एक गाना है, जी हाल है मिस्किन बखना जी। माधो दास जी, खूब सारे संत हुए थे। तो दादू पंथ आप वापस देख लो, महत्वपूर्ण है, कोई उठा के पूछ लेगा, कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, खूब सारी चीजें हैं। अहमदाबाद में जन्म हुआ, लोदीराम नाम के ब्राह्मण ने पालन पोषण किया, ब्रह्मानंद जी वर्धानंद जी या बुढ़न बाबा इनके गुरुजी थे, सांभर आमेर और नरेना में अपना समय बिताया, नरेना इनका मुख्य केंद्र है, ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए, निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था, राजस्थान का कबीर कहते हैं हम इनको, जहां सत्संग देते उसको अलग दरीबा है चौगान कहते हैं, निपक आंदोलन चलाया, मूर्ति पूजा नहीं करते, मंदिर को दादू द्वारा कहते हैं, वहां पर दादू जी की लिखी हुई किताब वाणी की पूजा की जाती है। आमेर के राजा भगवंत दास जी के साथ 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिल के आए थे, लाश को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ते हैं। दादू जी की लाश बहराणा की पहाड़ी में रखी गई, जिसको दादू खोले दादू पाल का कहते हैं।
152 टोटल शिष्य थे, उनमें 52 मुख्य थे जिनको 52 स्तंभ कहते हैं। नरेना में फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक मेला लगता है। वे लोग जो नरेना को मानते हैं वो खालसा है, जो घर बार छोड़ गए वो विरक्त है, जो उत्तर की तरफ चले गए उत्तराधे है, जो भस्म और जटाएं रखे वो खाकी है, सुंदरदास जी के चले जो हथियार रखते थे वो नागे। प्रमुख शिष्य सुंदरदास जी महाराज बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे, नागा शाखा के संस्थापक थे। नागा साधु हथियार रखते हैं अपने पास में, इनके रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। मराठा आक्रमणों के समय सवाई प्रताप सिंह की मदद की थी। रजब जी सांगानेर के पठान थे, दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की थी, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, रजब वाणी और सर्वंगी जैसी पुस्तकें लिखी थी। सुंदरदास जी छोटे, ऐसा कहते सुंदरदास जी बड़े दादू जी के पहले शिष्य थे, सुंदरदास जी छोटे उनके लास्ट शिष्य हैं। वैसे परिवार में जन्म हुआ था, 42 ग्रंथ लिखे थे, ज्ञान समुद्र और सुंदर सागर मुख्य हैं, गेटोला और दौसा में और फतेहपुर सीकर में इनके मुख्य केंद्र हैं। बालिंद्र जी ने आरिलो नाम की किताब लिखी थी। गरीबदास जी मिस्किनदास जी दो दादूदयाल जी के बेटे ही थे, वो भी मुख्य संत बने। बखना जी और माधोदास जी और मुख्य संत बने। दादूदयाल जी थोड़े बड़े ही हैं, आप अच्छे से याद करना, बाकी वाले अपने कल और पढ़ेंगे। बाकी वाले हम थोड़ी कम कम जानकारी हैं तो हम कर लेंगे धीरे धीरे इनको। थैंक यू।